Mr. Vice Chancellor Professor Dr. Ajit Nawaz Mengal, esteemed members, distinguished guests, ladies and gentlemen, Assalamu Alaikum. It is an historic moment for me as a Chancellor to inaugurate the first university at Sibi to cater the needs and its adjoining needs of Sibi. An academic blog of Mir Jaqir Khan reads me. Fazilaton ka aasma. ब्लॉक के जो हमारे सामने यहाँ पे यहाँ पे 10 कमरे हमारे मेन और सी ब्लॉक में हैं और ए ब्लॉक में 16 कमरे और तो अभी तकरीबन 90% कम्प्लीट है लेकिन काम नहीं लगा हुआ की तो सबसे पहले मैं तो सिब्बी के लोगों को मुबारकबाद दूंगा और ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने ये एज चांसलर इसकी इफ्तिताह की है और इफ्तिताह की है। बाकी जो आप कहते हो कि स्कॉलरशिप्स हमारे गरीब स्टूडेंट्स रह गए हैं, ये रह गए हैं और हम आजकल हमारी अपनी भी कुछ मजबूरियाँ हैं। जब हम यूनिवर्सिटी चलाते हैं तो हमें भी फीसें लेनी पड़ती हैं और आगे हमने टीचर्स रखने हैं और हमारे पास आजकल गवर्नमेंट के पास इतने फंड्स नहीं हैं, लेकिन बाकी जो गुरबा गरीब तालिबात हैं उनके लिए एक हम प्रोग्राम बना रहे हैं कि हर डिस्ट्रिक्ट से 2 या 4 जो टॉप स्टूडेंट्स होंगे जो फीसें नहीं दे सकते हैं उनको हम स्कॉलरशिप भी देंगे और ये भी सब्सिडाइज रेट पर आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। ऑनरेबल गवर्नर साहब, ये फरमाइएगा कि यूनिवर्सिटी का तो आपने यहाँ इफ्तिताह कर लिया है, तो आप पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट का मुस्तकबिल कहाँ देखते हैं? देखें जी, पॉलीटेक्निक इंस्टीट्यूट का यहाँ पे एक मुझे पता चला है कि एक वोकेशनल सेंटर भी है, टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर भी है, वहाँ भी हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं इंशाल्लाह। और ये देखो काफ़ी अरसे से ये बन रहा था तो हमने ऑक्यूपाई कर दिया, कम से कम इसमें एक तालीमी एक्टिविटी आ रही है। अगर उसमें भी तालीम दे रहे थे तो इसमें भी एक हायर एजुकेशन का आ रहा है तो वो हम टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में भी हम शिफ्ट करेंगे। मुझे यारवान साहब ने, सरदार यारवान साहब ने बताया कि शोरान में और डाडर में 2 वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स तैयार बने हुए हैं और वो काफ़ी अरसे से नॉन फंक्शनल है। मैं प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ वो भी मसला उठाता हूँ कि उनको भी फंक्शनल कर दें। देखिए जी, मैं उसमें रहा हूँ, गवर्नर हाउस में भी मैं रहा हूँ, उसमें 2 कमरों में आप क्या कर सकते हो? नहीं, बिल्डिंग तो ये भी बन गई, देखें ना, बिल्डिंग तो कहीं भी बन सकती है, उसमें 2 कमरों में आप अगर यूनिवर्सिटी बनाना चाहते हो तो बिस्मिल्लाह आज हम चलते हैं उधर। सर, रेजिडेंशियल कॉलेज, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट का है, वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के साथ है। जो चांसलर एज वाइस चांसलर, मैं एज गवर्नर चांसलर का है, मुझसे आप वो इशू पर गवर्नर साहब, हायर एजुकेशन के उनके पास जिम्मेदारी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये चीज़ें आप चीफ मिनिस्टर बलूचिस्तान से पूछें तो ज़्यादा बेहतर होगा। और एक तो गवर्नर साहब की मौजूदगी में एक तो सरदार साहब, सर तो